नमस्ते दोस्तों, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ कि 2014 जो HCS का हिंदी का पेपर था उसको आपको कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, काफी क्वेरीज आती है सर कि ये पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दो, तो मैंने एक आपको एक पेपर प्रोटोटाइप प्रोवाइड करा ही दिया। इसका फायदा आपको सबसे ज्यादा कैसे होगा, तो पहले तो आप देखो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो अपने आप से, फिर आप हमारे मॉडल आंसर से इसको मैच करो, तब आपको आइडिया लग पाएगा कितना आप उसमें लैग कर रहे हो। तो ये 2014 का पेपर है जो यहाँ पे हमने सॉल्व कर रखा है आपके लिए। देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसको आपको ट्रांसलेट करना, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपका हिंदी में अनुवाद कर रखा है, आप आराम से अनुवाद कीजिए, फिर इसको आप अपने मॉडल आंसर से मैच कीजिए। ये जो फाइल है इसको ऐसे वीडियो का इतना फायदा नहीं है इसमें, है ना, ये तो बस सीधा आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको अप्रोच करना है। इसका फायदा तभी होगा जब आप क्वेश्चन को खुद लिखोगे पहले और फिर अपने इस पीडीएफ से मैच करोगे। ये पीडीएफ मैं आपको यूपीएससी अखाड़ा की जो ऐप है उसमें HCS की टेस्ट सीरीज है उसके कंटेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा आप इसको टेलीग्राम जो हमारा चैनल यूपीएससी खड़ा है वहां से भी ले सकते हैं। देखो, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर, और एक दूसरा पत्र जो लिखना था, अपने क्षेत्र में सफाई की उचित व्यवस्था हेतु निमागयुक्त को एक पत्र लिखिए। तो ये मैंने दोनों आपके सैंपल हैं, ठीक है, डिफरेंस वाला पत्र पहला और दूसरा जो शिकायती पत्र था उसके रिगार्डिंग आपको दोनों पत्र के आंसर प्रोवाइड करा दिए। देन यही प्रेस सी राइटिंग एक तिहाई शब्द में लिखना होता है, तो ये क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर एक तिहाई में इसको हमने सार इसका लिखा हुआ है। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखे हैं, ठीक है, ये सरल व्याख्या है। तो आराम से ये आपको इस बीच में बताना भी चाहूंगा कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है हिंदी और इंग्लिश की, अगर आपको और टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो यूपीएससी का ऐप पे, या फिर आप इस फोन नंबर पे बात कर सकते हो। इसके अलावा कबीर, वो जो आपकी व्याख्या थी कबीर दास जी के दोहे की, ठीक है, तो पूरी व्याख्या लिखिए, पहले आप खुद लिखो फिर इससे अपना चेक करो। पीडीएफ आपको मैंने बता दिया, यूपीएससी का ऐप पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे। देन उसके बाद यही व्याख्या वाला अगेन क्वेश्चन है, उसको भी सोल्व कर दिया पूरा आपके लिए, ठीक है। उसके ग्रामर आती है, ग्रामर आप इजीली कर लोगे, ठीक है, करो यहाँ से और अपने आंसर देखो नीचे से मैच करो, ये ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। इस तरीके से हमने कंप्लीट पेपर सोल्व कर दिया है आपके लिए, इसमें सारे आपके मुहावरे शब्द युग्म सब पार्ट है, ठीक है। तो सारा पेपर पूरा कंप्लीट सोल्व कर रखा है, इसकी पीडीएफ आप जरूर देखें, और अपने मतलब मेन प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर, देखो कैसी प्रैक्टिस करनी है, क्या डिमांड है उसकी, ठीक है, ये पूरा आपका सॉल्व करके। लास्ट में एस्से का पार्ट आता है, ये आप अपने एस्से डेवलप करो, लिखो, ठीक है, कुछ आप मुझसे भी चेक करा सकते हो, है ना, हमारी जो हिंदी की रिस्पेक्टिव फैकल्टी है वो आपके लिए चेक कर देंगे एस्से। उसके अलावा मैं तो ये कहूंगा आप टेस्ट लिखो जितने हो सकते हैं ना, ज्यादा ज्यादा टेस्ट लिखो, वहाँ पे हम प्रॉपर आपका इवेल्यूशन करेंगे और हिंदी और इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो जो भी गलतियां होंगी उसको फाइंड आउट करेंगे, और आपकी कोशिश ये रहेगी आपके ज्यादा ज्यादा मार्क्स आपके एनहेंस हो। देखो, मेंस का एक ही तरीका है पेपर क्लियर करने का, आप जितने ज्यादा लिखोगे उतनी गलती आपको पता चलेगी और उतने आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो ज्यादा ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, उसके लिए हम एक टेस्ट सीरीज भी लेके आए हैं यूपीएससी अखाड़ा पे, ठीक है, HCS की मेंस की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके 12 टेस्ट हैं, 7 तो आपके होंगे, सॉरी 5 तो आपके होंगे जनरल स्टडीज के, 4 हिंदी के और 3 इंग्लिश के, ऐसे टोटल 12 टेस्ट होंगे। तो आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस लिखो करो अपनी मेंस के लिए। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे इस नंबर पर बात कर सकते हो, 9310521119909, ठीक है, ऑल द बेस्ट।